सर एक और स्टॉक आप दे रहे थे। ये दूसरा स्टॉक तो मतलब लार्ज कैप में आएगा और अच्छा खासा रैली चल रहा है आज, करीबन 3.5% अप है। एलएनटी, लार्सन एंड टूब्रो। देखिए ये वापस ऐसे डिस्क्लोजर, ये हमने पिछले मतलब 5-6 दिनों से दबा दबा के ले रहे थे और आज इसमें रैली देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको इसको बाइंग करनी चाहिए और इस पे आप टारगेट रखो करीबन 1850 का, तो अच्छा खासा टारगेट होगा यहाँ से। तो पहला टारगेट करीबन 1800 और उसके बाद में 1850। देखिए स्टॉक में क्या हो रहा है, मतलब एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है ये एलएनटी, और सबको मालूम है इंफ्रा कंपनी है, लेकिन मैं सिर्फ एलएनटी के लिए नहीं ले रहा हूँ। इसका होल्डिंग जो एलटीआई एक लिस्टेड कंपनी है, एलटीटीएस है, माइंडट्री है, इन तीनों कंपनीज में ये करीबन 74% स्टेक होल्ड करती है, मतलब मेजोरिटी होल्डर एलएनटी है। और आगे चल के मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर ओवरऑल स्ट्रांग दिख रहा है, और आईटी सेक्टर में अगर ये तीन कंपनीज ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिकली एलएनटी भी ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी होल्डिंग वैल्यूएशन भी इसमें बढ़ेगी। तो एलएनटी का जो मेन बिजनेस है उसको तो मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन तीन कंपनीज के कारण ये स्टॉक भी ऊपर जाएगा। तो 1800 टारगेट के लिए आप इसको लेके रख सकते हो। 1800 के टारगेट्स के लिए एलएनटी लेकर के रख सकते हैं, और इसलिए क्योंकि एक तरीके की पूरी बास्केट विवेक सर ने आइडेंटिफाई कर दी, तो इनमें से कुछ भी होगा तो एक तरीके से हेजिंग भी है, एक तरीके से सेफ्टी भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और सबका कहीं ना कहीं अब नंबर साइक्लिकल के हिसाब से जो जो सेक्टर रोटेशन होगा और उसके अंदर में आईटी को भी जो अगर थोड़ा बहुत फायदा, या इससे पहले अभी हम जो चर्चा कर रहे थे यूएस डॉलर को और उसको देखते हुए भी जो उसका एडवांटेज आना है बढ़े हुए या गिरे हुए रुपए का या बढ़े हुए डॉलर का, तो वो भी कहीं आईटी सेक्टर को और उसको एलटीटीएस के थ्रू होते हुए एलएनटी तक देख रहे हैं विवेक सर। तो ये बढ़िया दो स्टॉक्स, ठीक है।